अभी हाल ही में क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप खत्म हुआ है और वर्ल्ड कप के दौरान एक बैंड ने काफी हेडलाइन बटोरी थी, वो था हूप बैंड। वो इस वजह से क्योंकि प्लेयर्स जैसे विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद सिराज, ये लोग बैंड पहन करके क्रिकेट खेल रहे थे। इनफैक्ट सेमीफाइनल भी खेला और जब सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा तो विराट कोहली ने एक बैंड पहन रखा था जो काफी हेडलाइन उस बैंड ने बटोरा। ये बोला गया ये मिस्टीरियस बैंड है, ये क्या है, तो वो अभी मेरे पास है, हूप बैंड है। दरअसल वो हूप बैंड था, इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, ये यूएस की कंपनी है जिसने मुझे भेजा है ये बैंड। मैंने कंपनी के फाउंडर से बात करी और कंपनी ने ये कंफर्म कर दिया है, कंपनी के फाउंडर विल अहमद, उन्होंने कंफर्म किया है कि अगले साल यानी जनवरी के बाद 2024 में कभी भी इंडिया ये लॉन्च कर सकते हैं। तो पहली बार, फर्स्ट इन इंडिया, ये मैं रिव्यू लेकर के आ रहा हूँ आपके लिए क्योंकि मैंने हफ्ते भर इसे पहना है और पहनने के बाद मुझे क्या एक्सपीरियंस इससे मिला वो बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो ये बॉक्स डायरेक्ट यूएस से ही आया है, तो कस्टम वालों ने बॉक्स की हालत की है, आप अंदर देख करके खुद समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। बॉक्स को ओपन करते हैं तो बहुत सारे इसमें अलग अलग छोटे छोटे बॉक्सेस मिलते हैं, दो तीन बैंड हैं इसके साथ, ये एक बैंड है और ये बेसिकली हूप बैंड का बॉक्स है जिसमें वॉच नहीं कह सकते इसे, ये फिटनेस बैंड है क्योंकि इसमें डिस्प्ले नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे फिटनेस बैंड में आपको नहीं मिलते हैं। तो इसमें आपका हूप बैंड है और दो तीन स्ट्रैप अलग से दिए गए हैं, सारे ऑलरेडी ओपेंड हैं क्योंकि कस्टम वालों ने 100% ओपन करके इसे पूरा चेक किया था हर चीज़, तो सब कुछ ऑलरेडी ओपन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले कि बैंड कैसा है और क्या है। ये है बैंड, यही बैंड वो सारे प्लेयर्स के हाथ में जो देखा होगा आपने और हेडलाइन बटोरा था। एक्चुअली ये बैंड जो है दुनिया के जो बहुत बड़े ओलंपिक प्लेयर्स हैं जिन्होंने कई मेडल जीत चुके हैं, फॉर एग्जांपल माइकल फेल्प्स हो गए, लिब्रॉन जेम्स हो गए, इनके अलावा बहुत सारे जो लोग हैं जो एथलीट्स हैं बेसिकली, वो इसे बहुत पसंद करते हैं। तो इसमें आपको कोई डिस्प्ले नहीं मिलती है और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई अलार्म नहीं है, कोई बटन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लाइट है जो बताती है कि ये जो बैंड है ये कितना चार्ज है। इसके अलावा बॉक्स में आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है कि कैसे इसे सेटअप करें क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इसे यूज़ नहीं किया, तो फर्स्ट टाइमर्स के लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब चार्जिंग का इसका बहुत अलग ही फंडा है, एक नॉर्मल स्मार्ट बैंड जैसे चार्ज होते हैं, ये उनसे काफ़ी अलग तरीके से चार्ज होता है, मैं बताता हूँ कैसे। ये तो एक USB टाइप सी चार्जर है जिसे आप चार्जर को चार्ज करते हैं, PUC को चार्ज करते हैं, और इसके साथ दिया गया है ये, इससे आप बेसिकली फिटनेस बैंड को चार्ज करते हैं। और अच्छी बात यह है कि चार्ज करते वक्त आपको फिटनेस बैंड आपके हाथ से नहीं निकालना पड़ता है, यानी आप पहने हुए से चार्ज कर सकते हैं। आइडिया ये है कि आप इसे 24/7 लगातार पहने रहें और चार्जिंग के लिए भी ना निकालें। अब कुछ केसेस हैं, कुछ जैसे इसके स्ट्रैप हैं वो आपको दिखा दूँ, ये जैसे ब्लैक कलर का है और ये वाइट कलर का है और एक मरून कलर का भी स्ट्रैप है साथ में, इसे मैंने बाहर रख दिया, ये है मरून कलर का। तो इसके साथ तीन चार स्ट्रैप भी आए हैं, अब इसे चार्ज कर सकते हैं। और एक जो स्ट्रैप है वो ये है, ये मिलिट्री कलर कह सकते हैं, ग्रीन, मुझे सबसे अच्छा ये पर्सनल फेवरेट मेरा ये है और मैं इसे ही कुछ समय से यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि मैंने और भी बदल बदल के सारे यूज़ कर लिए हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो हूप बैंड है, हूप 4.0, जिस जो नया हूप है, इससे पहले 3.0 आया था, अब 4.0 आया है, क्या करता है और क्यों इतना बज है इसके बारे में, क्यों विराट कोहली या फिर माइकल फेल्प्स जैसे बड़े एथलीट जो हैं गार्मिन नहीं पहनते, फिटबिट नहीं पहनते, एप्पल वॉच नहीं पहनते, पहनते होंगे बट ट्रैकिंग पे जहां तक बात होती है तो हूप पे ही क्यों भरोसा करते हैं, ऐसा क्या है इस बैंड में। तो मैं आपको एक एक करके हर चीज़ बताता हूं, ऐप इंटरफेस के बारे में बताता हूं और क्या क्या ट्रैकिंग करता है ये और आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं, हालांकि इंडिया में नहीं आया, क्या सब्सक्रिप्शन प्राइसेस हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब आते हैं बैंड पे, जो भी जो इसमें कॉम्पोनेंट्स हैं क्या क्या हैं। अब चूंकि इसे मैंने एक हफ्ते तक यूज़ किया है तो मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले तो इसे पहनते कैसे हैं क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए। तो डिवाइस आपको दिखा रहा हूँ कितना छोटा है, ये दैट्स द डिवाइस। अब ये लाइट वेट भी है, अब ज़्यादा भारी नहीं लगता, बहुत हल्का लगता है, आप लंबे समय तक इसे आराम से पहन सकते हैं। और ये हो गया इसका बैंड, स्ट्रैप कुछ भी कह सकते हैं इसे।
तो अब मैं बताता हूँ इसे कैसे लगाते हैं, क्योंकि डिवाइस तो इतना छोटा सा है, इसे लगाना मुश्किल नहीं है। शुरू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, एक यहाँ पे ऐसे अटैच करना है और दूसरा वाला यहाँ पर अटैच करेंगे ऐसे, और ऊपर हमेशा हुप का लोगो रहेगा, इसको ऐसे लगाना है हाथ में और आपको इसे ऐसे पहनना है। हमेशा आपको याद रखना होगा कि इससे जो आपका रिस्ट बोन है इससे 1 से 1.5 इंच नीचे रहना चाहिए, तो ठीक ठाक ट्रैकिंग होती है। तो ये हो गया, और चार्जर जो कि काफ़ी इसका इंटरेस्टिंग है, तो उसे चार्ज करने के लिए बैंड के ऊपर इस PUC को ऐसे अटैच करना है यहाँ पे ऐसे, और ये लाइट जल जाएगी ग्रीन कलर की। ग्रीन यानी फुल चार्ज है, ऑरेंज कम चार्ज है, रेड बिल्कुल चार्ज खत्म है। तो इस चार्ज होना शुरू हो गया, आप इसे पहन के नहा भी सकते हैं, वाटरप्रूफ भी है, और कुछ नहीं है इसमें, कोई बटन नहीं, किसी तरीके का वाइब्रेशन नहीं। वाइब्रेशन है सिर्फ अलार्म के लिए, वाइब्रेशन यूज कर सकते हैं, कोई डिस्प्ले नहीं है। तो अब आते हैं इस बैंड की खूबी पे, जिस वजह से इतने सारे एथलीट्स यूज करते हैं जैसा कि मैंने बताया। तो ये क्या क्या ट्रैक करता है आपके बॉडी का, पहले तो मैं ऐप ओपन करके ये देख करके बता दूं क्या क्या ट्रैक करता है। सबसे पहले HRV यानी हार्ट रेट वेरिएशन, स्लीप परफॉर्मेंस, कैलोरीज एवरेज, HR आवर्स ऑफ स्लीप, रेस्पिरेटरी रेट, RHR यानी रेस्टिंग हार्ट रेट, स्लीप डेट, स्लीप नीडेड, टाइम इन बेड, कंसिस्टेंसी, इफिशियंसी, स्ट्रेस मॉनिटर, टेम्परेचर मॉनिटर, बहुत सारे मॉनिटर हैं। जैसे आप अगर मॉनिटर में जाएंगे क्या क्या आप इसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर हेल्थ मॉनिटर का ऑप्शन आएगा। हेल्थ मॉनिटर में रेस्पिरेटरी रेट दिखेगा, ब्लड ऑक्सीजन दिखेगा, RHR, HRV और स्किन टेम्परेचर, जो कि अभी काम नहीं हो रहा है, इसमें कैलिब्रेटिंग लिखा हुआ है। तो एक महीने में बहुत सारी और फीचर्स एनेबल हो जाएंगे। दरअसल आइडिया ये है कि एक महीने तक आप इसे लगातार पहनते रहो, उसके बाद बेसलाइन आपकी बॉडी के हिसाब से तैयार होता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है, बेसलाइन तैयार होता है, उसके बाद आपको ग्राफ्स वगैरह दिखने शुरू होते हैं। तो चूंकि मैंने हफ्ते भर ही यूज़ किया है, तो उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या मैंने नोटिस किया इसमें। हार्ट रेट वगैरह बिल्कुल सॉलिड हैं, दूसरे डिवाइसेस के साथ भी मैंने ट्राई किया, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर भी सही है, HRV, RHR वगैरह दूसरे डिवाइसेस में आपको नहीं मिलते हैं, और ये आपको ग्राफ बना करके देता है कि क्या आपकी स्लीप परफॉर्मेंस कैसी रही है, या फिर स्ट्रेन यानी दिन में कितना आपने काम किया है, और उस हिसाब से स्ट्रेन आता है। सबसे इंटरेस्टिंग इसका एक फीचर मुझे लगा, वो लगता है हुप कोच। हुप कोच बेसिकली OpenAI की GPT-4 पे बेस्ड है, OpenAI के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है और GPT-4 बेस्ड हुप कोच आया। हुप कोच क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आप हुप कोच से पूछते हैं कि आपके लंग्स कितने हेल्दी हैं, या फिर आपका हार्ट कितना हेल्दी है, हाउ हेल्दी आर माई लंग्स, या फिर हाउ हेल्दी इज माई हार्ट, अगर आप इससे पूछते हैं, तो ये आपको बेसिक जो ट्रैकिंग करता है उसके अकॉर्डिंग ये एक रफ डेटा बताता है कि आपकी रेस्पिरेटरी रेट ये रही है, या फिर हार्ट रेट ये रहा है, स्लीप में हार्ट रेट क्या रहा है, रेस्ट करते समय आपका हार्ट रेट क्या है, स्ट्रेन या फिर कोई एक्सरसाइज करते समय आपका हार्ट रेट क्या रहा है, उस हिसाब से ये आपको बताता है कि आपके लंग्स या फिर हार्ट कितने हेल्दी हैं। हालांकि मैं एक बार फिर से कह दूं कि ये कोई मेडिकल डिवाइस नहीं है, इस वजह से आप इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते हैं, बट कंपनी कहती है कि कंपनी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के साथ मिलकर के काम करती है, इस वजह से एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो डॉक्टर्स इस पे रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे जो फिटनेस ट्रैकर हैं मार्केट में उनकी जो एक्यूरेसी होती है वो थोड़ी क्वेश्चनेबल होती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जैसे हुप कोच और आप में ये भी मदद कर सकता है रिकवरी को लेकर के, अगर आपकी बॉडी आज काम करने के लिए कितना रिकवर है इसमें आप ये देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी रिकवरी आज की है 47%, तो 47% रिकवरी बहुत कम है, इसीलिए येलो जोन में। अगर ग्रीन होता तो 60-70 के ऊपर ग्रीन होगा, रेड है यानी काफ़ी कम रिकवरी है। तो रिकवरी आपकी कैसे बेटर होगी, तो हुप कोच सजेस्ट करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। और जर्नल का ऑप्शन है, जर्नल क्या करता है कि आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर ये ऑटो डिटेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर एक्टिविटी ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, आप स्विमिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो ये कार्डियो बेस्ड वर्कआउट करते हैं, तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेता है और उस दौरान बताता है कि आपका हार्ट रेट वेरिएशन कैसा रहा है, और फिर सारे पैरामीटर्स देख करके बताता है कि आपका वर्कआउट कैसा रहा है, ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप जर्नल में ऐड कर सकते हैं, मतलब ओपन करेंगे यहाँ पे ऐड जर्नल का ऑप्शन आएगा, जर्नल में आप ये ऐड कर सकते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं दिन में,
और क्या हेल्थ स्टेटस है, कौन सी मेडिकेशन लेते हैं, ये सारी चीजें ये इसमें एंटर कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे सुबह होती है तो एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें, जैसे आप आँख खुलती है, आप ओपन करते हो, देखते हो कितना सोए, तो एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें किया जाता है कि कल आपने क्या क्या किया, क्या क्या इनटेक किया, तो आप रजिस्टर करते हैं। तो उससे बेसिकली ये इतना अच्छा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का अमलगमेशन है कि देख करके लगता है कि आपको जो डिटेल बताया जा रहा है वो सही ही है। कितना सही है वो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। हालांकि ईसीजी नहीं करता है और बहुत सारी इसमें लिमिटेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल कई सारे लोगों को ये ऑफ लगा कि इसमें डिस्प्ले नहीं है या फिर कोई फैंसी फीचर नहीं है, इसमें जीपीएस नहीं है, इसमें स्टेप काउंटर नहीं है, तो ये सारे फीचर्स इसमें नहीं दिए गए हैं जो कि आपको दूसरे फिटनेस ट्रैकर में आराम से मिलते हैं। इनफैक्ट जायरोस्कोप जो सेंसर होता है वो फोन में भी होता है, तो स्टेप तो वो भी आपका फोन भी ट्रैक कर लेता है। इन सब के अलावा सब्सक्रिप्शन इसका थोड़ा सा हायर साइड पे है, इंडिया में फिलहाल लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन यूएस में हर महीने $30 देने पड़ते हैं इसे यूज करने के लिए। और ये डिवाइस फ्री है, प्राइमरीली डिवाइस का पैसा नहीं लगता, सब्सक्रिप्शन का पैसा लगता है। तो $30 पर मंथ की सब्सक्रिप्शन है, अगर ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें डिस्काउंट रेट पे मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं रिकवरी को लेकर के और चार्जिंग को लेकर के। चार्जिंग स्लो, मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं है, ज़्यादा स्लो नहीं है, मिड लेवल की चार्जिंग है। और आप इसे एप्पल हेल्थ के साथ मर्ज भी कर सकते हैं। आप अभी चूंकि एक महीने यूज़ नहीं किया, इस वजह से बहुत सारे फीचर्स लॉक हैं। जैसे ही 10-15 दिन, 20 दिन, एक महीने यूज़ कर लूँगा तो ये फीचर्स एनेबल होंगे, उसके बाद मैं और कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ डेटा देख पाऊँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब अगर मैं बताने बैठ जाऊं तो आधे एक घंटे लग जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा शॉर्ट करना है। तो एंड करते हुए, कॉन्क्लूड करते हुए मैं बताना चाहता हूं कि ये फिटनेस बैंड किन लोगों के लिए है। ये डेफिनेटली मेरे लिए या फिर मेरे जैसे लोगों के लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता, ज़्यादा एक्सरसाइज में बिलीव नहीं करता, मैं नहीं करता पर्सनली। बट द थिंग इज़ कि जो लोग वर्कआउट करते हैं, जो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, जो एथलीट्स हैं, जो गेम खेलते हैं, मतलब इंडोर गेम नहीं, कुछ फिटनेस वाला गेम, तो उनके लिए ये बहुत काम का हो सकता है। अगर आप नॉर्मल इंसान भी फिटनेस पे फोकस रहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसे यूज़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब मैं यूज़ कर रहा हूं तो धीरे धीरे स्लीप में कुछ इंप्रूवमेंट मुझे दिखी है, हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट वगैरह में भी कुछ इंप्रूवमेंट दिखी है, क्योंकि ये इसका कोच जो आपको सजेस्ट करता है कि कौन सी चीज़ ठीक रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि ये जब इंडिया आता है तो आपको खरीदना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग इंडिया में अभी भी इसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कम्युनिटी है, उसमें दिखाता है कि इंडिया में कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इंडिया में भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं जो इम्पोर्ट करा करके यूएस से डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। अब कंपनी से मैंने बातचीत करी थी, कंपनी के CEO विल अहमद से बात की थी इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था कि 2024 में वो उनका प्लान है इंडिया में प्रोडक्ट लॉन्च करने का। तो देखते हैं इंडिया में इन्हें रिस्पॉन्स कैसा मिलता है। मुझे एक फिटनेस ट्रैकर के तौर पे ये, मतलब अभी तक मैंने फिटबिट यूज़ किया है, मैंने गार्मिन यूज़ किया है, मैंने एप्पल वॉच यूज़ किया है, सब कुछ यूज़ किया है, सबकी फिटनेस ट्रैकिंग देखी है, लेकिन जितना प्रिसाइज, जितना एक्यूरेट, जितना कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैकिंग ये करके देता है वो सब नहीं करते। और जैसा जो सॉफ्टवेयर में जितना काम किया गया है उतना किसी के भी फिटबिट के भी सॉफ्टवेयर पे उतना बढ़िया काम नहीं किया गया है। क्लीन सॉफ्टवेयर है, यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, सारे ट्रैकिंग बहुत अच्छे से करता है, और जो भी डेटा बताता है वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर देता है कि ये डेटा है तो इसका मतलब क्या है, ताकि आप समझ पाएं कि इसका मतलब क्या है और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जिस वजह से वो डेटा आपका उस तरह का दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर रेस्पिरेटरी रेट आपका सोने के दौरान ज़्यादा है, जो कि मेरा होता है, पिछले कुछ दिनों से मेरी रेस्पिरेटरी रेट सोने के दौरान हाई होती है, तो मैं इससे पूछता हूँ हूप कोच से कि ऐसा क्यों होता है। तो हूप कोच मुझे बताता है कि आपकी जो सोने से पहले कुछ कुछ एक्टिविटी किया आपने, उसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी रेट रात में बढ़ा। चूंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन की वजह से भी स्लीप, आप नींद से सोते हैं, सोने के दौरान रेस्पिरेटरी रेट एक मिनट में 17-18 जा सकती है नॉर्मली, बट नॉर्मल 12 से 20 बताया जाता है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। तो ये सारी चीज़ें, अब उन लोगों के लिए ये फिटनेस बैंड कतई नहीं है जो इसको डिक्टेट करने के लिए यूज़ करेंगे अपनी लाइफ को, इसी ये जो कहेगा वही करेंगे, ऐसा नहीं है। इसे आप एक डिवाइस के तौर पे माने जो थोड़ा बहुत आपके हेल्थ का इंसाइट देता है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर जाएं तो परफेक्ट कभी नहीं आएगा, हमेशा ग्रीन में कुछ नहीं रहेगा, कभी रेड दिखेगा, कभी येलो दिखेगा। आपको एंशियस नहीं होना है, आपको पैरानोइड नहीं होना है, तो आप मेरे ख्याल से ये बैंड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ के लिए ये बैंड मेरे ख्याल से शानदार है। कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा, और अगर इंडिया ये आता है तो क्या आप इसे खरीदेंगे।